नमस्कार, मैं शीतल पी सिंह, सत्यहिंदी.com पर आपका स्वागत है। अब चूंकि राज्यों में चुनाव जो हमारे यहाँ देश में एक आप कह सकते हैं मौसम की तरह होते रहते हैं, एक जगह खत्म होता है दूसरी सीरीज आ जाती है, तो फिर से दूसरी सीरीज के लिए तैयारियां बहुत तेजी पकड़ चुकी हैं। आज देश की सबसे बड़ी समाचार पत्रिका इंडिया टुडे में उत्तर प्रदेश का 24 पन्नों का एक विज्ञापन सीरीज पूरी छपी है और उसकी पता लगा है कि बहुत सारी प्रतियां छापे खाने से उत्तर प्रदेश मुख्यालय गई हैं सरकार के, जहां से वो लोगों को निजी तौर पर भी वितरित होंगी। वैसे ही ये पत्रिका बहुत बड़ी है और बहुत ज्यादा इसकी प्रसार संख्या है, एक समय मैं भी इससे जुड़ा हुआ था। तो उत्तर प्रदेश के चुनाव के बारे में वहां क्या हो रहा है, सत्य हिंदी में बहुत सारे प्रोग्राम्स आपने देखे हैं। अब हम इसमें बहुत सारे ऐसे अवयवों से एक एक करके बात करना शुरू कर रहे हैं जो चुनाव के बारे में अपनी, चाहे वो सेफोलॉजिकली या राजनीतिक रूप से भागीदार होने के नाते या किसी सामाजिक समूह के विचार को प्रभावित करने वाले इन्फ्लुएंसर होने के नाते या और भी किसी कारण से चुनाव में अपनी भूमिका रखते हैं, ऐसे लोगों से हम लगातार बातचीत शुरू करेंगे। इस कड़ी में आज हमारी बातचीत हो रही है शशि सिंह नाम के एक सेफोलॉजिस्ट हैं, जिनसे हाल में बंगाल के चुनाव में मेरी मुलाकात हुई थी, हुई ट्विटर पर इनको मैं देखता रहता था। और बंगाल के चुनाव में जो आकलन इनकी संस्था ने किए थे वो सत्य के ज्यादा करीब थे, ये मेरा आकलन गलत था और बहुत सारे लोगों के गलत थे। एक धारा में तो मैं समझ सकता था कि क्या हो रहा है, लेकिन जिसे आप कहें कि नतीजों के करीब पहुंचने वाले जो बहुत सारे लोग थे उनमें इनका भी आकलन था। तो इनसे बातचीत होती रही। अब उत्तर प्रदेश पर और जहां राज्यों में पंजाब वगैरह में चुनाव होने हैं उस पर इनके ट्वीट्स आ रहे थे, तो मैंने कहा कि बातचीत शुरू करते हैं। जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय से इन्होंने अपनी पढ़ाई लिखाई की है और उसके बाद 2013 से ये अपनी कंपनी बना के इस काम में उतरे हुए हैं। और वैसे इस काम को, रिसर्च को और पॉलिटिकल मामलों की और इलेक्टोरल एनालिटिक रिसर्च ये करते रहे। तो शशि जी से उत्तर प्रदेश के बारे में बुनियादी बातचीत करते हैं। इन्होंने वहां के कई चुनाव कवर किए हैं और फोन पर जो मेरी इनसे बातचीत हो रही थी वो बड़ी इंप्रेसिव थी। इनको काफी वहां के सामाजिक वर्गीकरण का और राजनीतिक वर्गीकरण का बिल्कुल साफ साफ पता है। तो देखिए, आपको भी इनकी बातचीत में अच्छा लगेगा। तो शशि जी, आपका स्वागत है और जी नमस्कार। थोड़ा सा अपने बारे में एक मिनट बता दीजिए, उसके बाद हम लोग उत्तर प्रदेश की बातचीत शुरू करते हैं। देखिए, हम जेएनयू में पढ़े, उसके बाद हम 2013 में ग्राउंड जीरो रिसर्च हम लोग किए, कंपनी बनाए। उसके बाद हम लोग बहुत घूमे, मतलब बंगाल गए, बिहार गए, यूपी गए और साउथ इंडिया में भी हम लोग पूरा घूमे हैं। और जब देखिए, जो चुनाव होता है वो कहीं भी चुनाव होता है तो मेरा ये मानना है कि थोड़ा जाति पर होता है, थोड़ा मतलब दूसरे मुद्दे पर भी होता है। अगर आप बिहार में जाएंगे, उत्तर प्रदेश में जाएंगे तो यहाँ जाति पर मतलब ये होता है। तो देखिए, बंगाल में जब हुआ तो वहां पर हम लोग सबसे पहले हम लोग ये पता किए कि कहाँ कहाँ कितने मुस्लिम है, कितना हिंदू है, और हम लोग ये पता किए कि एसटी कितना है और एससी कितना है। अगर ये सब जब आप नहीं जानते हैं तो फिर आप नहीं बता सकते कौन जीत रहा है, कौन हार रहा है। बंगाल में भी तो जाति का मामला इस बार सामने आया, जैसे मथुआ वगैरह का इशू आया, एससी एसटी में बीजेपी ने सेंध लगाई थी और उन क्षेत्रों में उसका नतीजों में भी असर दिखा है। मतलब वो एक कंसिस्टेंट उसकी आप कह सकते हो गई है उन समाज, जो एससी वोट है उसमें बीजेपी को मिला, लेकिन जो एसटी है वो चला गया भाजपा को छोड़कर। अच्छा। लेकिन जो मुस्लिम जो लोग हैं वो पूरा दे दिया, मतलब है भाजपा के खिलाफ में। नहीं, वो तो भाजपा, हम लोग एनालिसिस कर ही चुके हैं, आपने भी बहुत देखा। जी जी जी, तो आज हम लोग बात करेंगे यूपी का। जी जी, यूपी का करेंगे। तो 2013 में आपने कंपनी बनाई, क्या नाम है उसका? ग्राउंड जीरो रिसर्च। तो इससे अभी तक आप लोगों ने किन किन राज्यों में चुनाव पूर्व अनुमान लगाए हैं, बंगाल के अलावा? बंगाल का मैंने देखा था, इसके अलावा भी आपने कहीं किया है? उत्तर प्रदेश में कब कब आपने किया? बहुत जगह, जैसे दिल्ली का चुनाव हुआ था उसमें हम लोग ने जो बोला वही हुआ था। अच्छा। बिहार में हम काम किए थे तो थोड़ा सा गलत हुआ था। गुजरात में जब चुनाव हुआ था तो वहां भी काम किए थे। महाराष्ट्र में जब चुनाव हुआ था वहां भी काम किए थे। ठीक। और हाँ जी जी,
जी, तो उत्तर प्रदेश के बारे में आपको फिलहाल अभी तो वक्त है, लेकिन तैयारियां जैसा मैंने कहा कि शुरू हो गई हैं और सब दल अपनी अपनी रणनीति और सामर्थ्य को लेके अब धीरे धीरे मैदान में उतरते हुए नजर आ रहे हैं। उत्तर प्रदेश में आज अगर आपसे बात करें तो आपको क्या नजर आ रहा है, क्या सीन है उत्तर प्रदेश में? देखिए, अगर आज हम बात करें तो भाजपा थोड़ा सा आगे है, ये हम कह सकते हैं। ठीक। और भाजपा का मतलब जो चुनाव होगा वो सपा से मतलब होगा। अच्छा। और जो बसपा है वो मतलब नहीं आएगी, मतलब मुझे ये लगता है। और जो कांग्रेस है वो लड़ेगी मतलब, लेकिन उतना अच्छा नहीं लड़ेगी। तो ये है, अब देखना ये होगा कि जो भाजपा आगे है तो आगे और जाएगी या थोड़ा नीचे आएगी, और जो सपा है वो देखना पड़ेगा आगे जाएगी या पीछे आएगी, तो ये देखना पड़ेगा। जी, आम आदमी पार्टी, ओवैसी साहब की पार्टी और बहुत छोटे छोटे से जो ग्रुप्स हैं, इनकी क्या भूमिका रहेगी? देखिए, इनकी भूमिका जो है बहुत मतलब कम रहेगी, इन लोगों को कोई सीट नहीं मिलेगा, लेकिन थोड़ा बहुत वोट काट सकते हैं, बस यही, और कुछ नहीं है। क्योंकि देखिए, अब आप कहीं भी जाएंगे तो जो चुनाव हो रहा है एकदम साफ ये रहा है कि इसको जिताना है, इसको हराना है, बीच का कोई नहीं होता है, ये अब हो रहा है। आप बंगाल में देखिए क्या हुआ, कितने लोग जो कांग्रेस के जो बहुत मतलब नेता है वो भी सब हार गए। उसका कारण यही था कि एक तरफ या तो भाजपा को देंगे या टीएमसी को देंगे। तो जब यूपी में चुनाव होगा तो आप मान सकते हैं कि कम से कम 300 से ज्यादा में बीजेपी और सपा का मतलब ये होगा, सामने सामने चुनाव होगा, सामने मुकाबला होगा, बाकी बसपा और हाँ जी जी। तो ये बताइए, बसपा को किसी भी बुरे हाल में भी 18-19% 20% के आसपास वोट मिलता है, उसके पास एक सामाजिक हिस्से का एकदम परमानेंट सा समर्थन है, जिसे आप जाटव कह सकते हैं और पूर्वांचल में उसको चमार कहते हैं। तो इन समाजों में, हालांकि इसको कुछ और कहना चाहिए, ये शब्द ठीक नहीं है, मैं इसको वापस लेना चाहूँगा, लेकिन जो भी है संज्ञा इसी तरह से उनको उद्बोधित करते हैं लोग, तो इस समाज का उनको जबरदस्त समर्थन है। यानी एससी में एक जाति, एससी में भी विभाजन है, उसमें एक सेक्शन जो सबसे बड़ा सेक्शन है वो उनके साथ रहा है। तो आप कैसे कह रहे हैं कि वो इस समय इस चुनाव में उनको वोट नहीं देगा या बीएसपी को छोड़ देगा? देखिए सर, जो आप कह रहे हैं एकदम सही बोल रहे हैं कि जो बसपा है उसके पास 18 से लेकर 20 मतलब परसेंट मत होता है, लेकिन देखिए जो जाटो है और जो मुस्लिम है ये थोड़ा सा अब सोच रहे हैं कि किसको हम वोट दें। अब मुस्लिम के बारे में अगर हम बात करें तो मुस्लिम मतलब हमको ये लगता है कि वो भाजपा को नहीं देंगे। और जो जाटो हैं ये 12% है यूपी में, ये जो मतलब जाटो बोलते हैं, आप जानते हैं कि वेस्टर्न यूपी में बोलते हैं और पूर्वांचल में बोलते हैं चमार। तो ये जो जाति है ये भाजपा के साथ रहेगी, लेकिन इसमें भी टूटेगा, मतलब हम कह सकते हैं कि 30% 40% टूटेगा और ये जाएगा भाजपा में या सपा में जाएगा, लेकिन ज्यादा जा सकता है सपा में, क्योंकि ये जो भी जाति है ये भी सोचेगी कि किसको जिताना है। अगर भाजपा को जिताना है तो भाजपा की तरफ जाएंगे, अगर भाजपा को हराना है तो फिर सपा में जा सकते हैं। तो ये है, तो मुझे लगता है कि अभी कहना थोड़ा जल्दबाजी होगा, लेकिन मुझे लगता है कि बसपा को 12 से 16% मत मिल सकता है। लेकिन सबसे दिक्कत यह है, आप देखेंगे कि जितना बसपा के नेता थे वो सब छोड़ के दूसरे पार्टी में जा रहे हैं। जैसे आप देखिए, बलिया के एक नेता है राम, उनका मैं नाम भूल रहा हूँ, रसड़ा से वो नेता है, बहुत बहुत मजबूत है, वो बीजेपी में जा रहे हैं। तो ऐसे ऐसे जितने भी उनके नेता हैं, खासकर राजपूत और ब्राह्मण, वो सब उनको छोड़ के जा रहे हैं। जी, और जो उनके साथ ओबीसी वगैरह जुड़े हुए थे एक जमाने में, कुशवाहा उनके साथ थे, मतलब गैर यादव ओबीसी का एक बड़ा हिस्सा बसपा के साथ हुआ करता था, उसका क्या हाल? हाँ, लेकिन जी, लेकिन ओबीसी के भी जो नेता हैं वो भी छोड़ के जा रहे हैं। जैसे लालजी वर्मा जी का अगर हम नाम करें, अम्बेडकर नगर के वो नेता हैं, बड़े नेता हैं, और अम्बेडकर नगर से एक बार मतलब मायावती जी जीती हुई थी, तो अम्बेडकर नगर एक मतलब भाजपा का बहुत मजबूत गढ़ था, लेकिन वो टूट गया है। पिछले बार वहां 2 सीट बीजेपी जीती, बाकी सपा जीती। तो वहां पर जो मुझे देखने को मिल रहा है कि सपा बहुत आगे जा रहा है, जैसे नाम बोले लालजी जी वो छोड़ रहे हैं, तो भाजपा का जो बसपा का जो नेता है मतलब ओबीसी, वो भी सब छोड़ के सपा में जा रहे हैं, और बाकी तो आप जानते ही हो कि जितने नेता थे ओबीसी वो सब छोड़ के भाजपा में चले गए हैं। जी, अच्छा,
एक और बात कि जो पिछड़ों में कहा जाता है यादवों के अलावा जो बाकी जातियां हैं, सबसे प्रमुख जातियों में जैसे मल्लाह है, जैसे ये कुशवाहा और काछी और कई जगह मौर्य के रूप में है, इसके अलावा लोध राजपूत है, इसके बाद आप आते हैं कुर्मी है, ये सब सेक्शंस जो है ज्यादातर भाजपा में रहे, तो इनका आपको इस समय क्या नजरिया नजर आ रहा है, ये इस संभावित चुनाव में आज की तारीख में इनमें क्या हलचल हो रही? देखिए, जो यादव को छोड़ के जो आप ओबीसी हैं, जैसे कुर्मी, कुशवाहा, लोध, जो भी आप बोले, तो आप देखिएगा तो लोध जो है वो भाजपा के साथ ही रहा है। मतलब एक बार छोड़ के जब कल्याण सिंह जब छोड़ दिए थे भाजपा को, तब ये चला गया था भाजपा से, लेकिन ये भाजपा के साथ ही रहता है। लेकिन कुर्मी की बात करें, कुशवाहा की बात करें, राजभर का बात करें, तो ये पिछले तीन चुनाव में भाजपा के साथ हैं, लेकिन इस बार ये कैसे वोट देंगे अभी हम नहीं बता सकते हैं। क्योंकि देखिए, जब पिछले बार चुनाव हो रहा था तो हर जाति का एक मुख्यमंत्री था यूपी में। आप देखिए लोध, तो इसका एक मुख्यमंत्री था। आप कुशवाहा देखिए, तो इसका मतलब मुख्यमंत्री था जो केशव जी हैं। उसके बाद जब आप देखिए, मैं आप ये कुर्मी, तो कुर्मी का की भी एक नेता थे, मतलब मुख्यमंत्री का। तो हर जाति का एक मुख्यमंत्री था, तो इसके कारण सब जाति को जो लगता था जो कि हमारा नेता मुख्यमंत्री बन सकते हैं, तो ये भाजपा के साथ आ गए। और दूसरा जो था, आप जानते ही होंगे, सबसे कि जो अखिलेश जी थे, तो भाजपा ने उनके खिलाफ जो प्रचार किया कि ये सिर्फ यादव और मुस्लिम के नेता हैं और किसी जात के नेता नहीं है, तो जितनी जातियां थी वो भाजपा से जुड़ गई थी। लेकिन इस बार क्या होगा कि एक तरफ योगी जी हैं और दूसरे तरफ अखिलेश जी हैं, तो इस बार जब भाजपा उन पर जब लगाएगी, चिपकाएगी कि ये सिर्फ यादव और मुस्लिम के नेता हैं, तो इतना नहीं चिपकेगा। क्योंकि पिछले बार 5 साल का एक ये भी था, विरोध था तो लोगों में, तो उसका एक कारण था। लेकिन इस बार 5 साल से भाजपा है, तो भाजपा को बताना पड़ेगा कि आपके लिए हमने क्या काम किए हैं, और काम को लेकर जाना पड़ेगा। तो सिर्फ तो मुझे लगता है कि इस बार जो ओबीसी है वो थोड़ा बहुत भाजपा से टूटेगा। वो देखना है कि क्या इतना टूटता है कि सपा को जिता देता है, या सिर्फ इतना टूटता है कि बीजेपी आराम से जीत लेती है। क्योंकि देखिए, क्योंकि बीजेपी के पास अभी आज के डेट में 312 सीट है अपनी, तो थोड़ा बहुत अगर ओबीसी टूटता है तो कुछ नहीं होगा, थोड़ा ज्यादा टूटना पड़ेगा सपा को जीतने के लिए। जी, एक और सेक्शन इधर बहुत एक्टिव हुआ है बिहार से, और उत्तर प्रदेश में भी वो बहुत संगठित हुआ है, फिलहाल तो वो यूपी में बीजेपी के साथ है, वो है मल्लाह और केवट वाला। तो ये जो कहीं केवट कहलाते हैं, कहीं मल्लाह कहलाते हैं, ये सब एक ही ग्रुप है। इस सोशल ग्रुप में क्या हलचल है? चूंकि इसमें पूलन देवी इनकी एक बड़ा एक नाम रही है, और उनको लेके चर्चा हुई है, अभी उनका जो कार्यक्रम था उसमें मुकेश सहनी बिहार से आ रहे थे, उनका मूर्ति लगाने नहीं दिया गया। जी जी जी, फिर कुछ नहीं हुआ है। क्या इस सब का व्यापक असर है, या ये सिर्फ कुछ हिस्सों में ही चर्चा तक बात रह जाती है? इसका अभी व्यापक असर नहीं है, लेकिन देखना पड़ेगा कि इसको कैसे मुद्दा बनाता है। क्योंकि देखिए, मुद्दा बनाना पड़ता है। जब अगर सपा इसको मुद्दा अगर बनाएगा तो थोड़ा सा उसको लाभ हो सकता है, ये मेरा मानना है। जी सर, इस समय की लेकिन सपा बसपा है उत्तर प्रदेश में, ये इन दोनों पार्टियों के बारे में कहा जाता है कि और भी बहुत छोटी पार्टियों के बारे में कहा जाता है कि इसमें से इन दोनों में खासकर कि इनके पास बहुत सारा धन है, क्योंकि वो धन राजनीतिक तौर पर जब ये लोग सत्ता में रहे तब अवैध तरीकों से कमाया गया है, उसके एसेट्स हैं, और उन सब के बारे में जो अभी प्रेजेंट डिस्पेंसेशन है देश में मोदी जी का और शाह जी का, जो हमारी एजेंसीज का बहुत निर्मम इस्तेमाल चुनाव में और वैसे भी करता रहता है, जिसके आरोप लगते हैं उस पर, तो ये कहा भी गया था कि कुछ साल पहले मायावती जी के भाई को बुला के ईडी ने पूछताछ की थी, 17-18 घंटे बैठा लिया था, उसके बाद जो सतीश मिश्रा जी हैं वो गए और उन्होंने जाके किसी तरह से सुलह उलह की, तब से मायावती जी और अखिलेश जी में फिर दुराव हो गया, दोनों अलग अलग हैं और इस चुनाव में भी अलग लड़ेंगे। अखिलेश जी के बारे में भी यही कहा जाता है कि वो भी घर से इसीलिए नहीं निकलते कि उनका भी बहुत सारा पैसा रुपया है उनके परिवार के पास, कुछ मामले सुप्रीम कोर्ट में हैं और कुछ मामले क्रिएट किए जा सकते हैं, इससे सबसे वो भी डरते हैं, तो वो
ऐसी चीजें करते हैं जो कह सकते हैं कि अपने पैर पे कुल्हाड़ी मारना जैसा है। जैसे दोनों दल जो है इस समय ब्राह्मणों को पटाने वाली पॉलिटिक्स कर रहे हैं, जबकि इनको वोट देने वाला जो समुदाय है वो पिछड़ों से, दलितों से, मुसलमानों में से आता है और उनकी संख्या बहुत है। लेकिन ऐसा लग रहा है कि अगर ब्राह्मण जो है जिनको अगर बहुत अतिरेक में भी कहा जाए तो 10-12% हो सकते हैं। ठीक है, सवर्ण जातियों के लोगों का ठाकुर ब्राह्मण का समाज पर प्रभाव ज्यादा होता है और ये अपनी संख्या से ज्यादा सामर्थ्य में लोगों को गोबल कर लेते हैं। लेकिन एक और बहुत बड़ी संख्या है जो आपको वोट देती है, जिसके बहुत सारे सवाल हैं, जिस पर आप कभी नजर नहीं आते। जैसे नीट में सवाल आया, पिछड़ों को आरक्षण उनका खतरे में है और उसको लेके सोशल मीडिया पर कम से कम जो ओबीसी सेक्शन है वो बहुत बेचैन नजर आता है। और बहुत सारे मुद्दे हैं, उत्तर प्रदेश में बहुत सारी नौकरियां निकली, उनमें उनके हक का सवाल है, अध्यापकों वगैरह की नौकरी में, उन पर कभी हम नहीं पाते कि मायावती हो या अखिलेश हो, इन लोगों ने किसी आंदोलन का नेतृत्व किया हो या आंदोलन खड़ा ही किया हो, जबकि ये ब्राह्मण सम्मेलन वगैरह में काफी सक्रिय है। इसका मतिभ्रम इनके नीचे वाले समाज में जो इनको वोट देता है क्या नहीं हो रहा है? आप एकदम सही कह रहे हैं सर। देखिए, जो ब्राह्मण है वो 12% है, लेकिन ब्राह्मण जो है वो काफी स्मार्ट मतलब जाती है, उसके लिए कोई सम्मेलन करने की जरूरत नहीं है। अगर उसको वोट देना होगा तो आपको वोट दे देगी, और ब्राह्मण जो है वो या तो भाजपा को वोट देगा या सपा को वोट देगा, लेकिन सबसे पहले वो वोट देगा अपने नेता को, मतलब अपनी जाति का जो मजबूत नेता होगा उसको सबसे पहले मतलब वोट देगा। तो मुझे ये लगता है कि जो सपा कर रही है, ये बात आप कैसे कह रहे हैं, ये बात कैसे कह रहे हैं? वो तो ज्यादातर मोदी जी को वोट देते हैं। मोदी जी को वोट देता है नो डाउट, लेकिन आप 2019 में बलिया का एग्जांपल देखिए, जहां से सनातन पांडे जी को सपा ने टिकट दिया था, उस सीट पर ब्राह्मण जो थे वो सपा की तरफ चले गए थे। अच्छा। और वहां पर सामने बीजेपी की ओर से राजपूत कैंडिडेट थे। तो आप सिर्फ वो सीट में बात नहीं कर रहा हूँ, आप कोई भी सीट उठा लेंगे जहां पर ब्राह्मण कैंडिडेट बीजेपी की ओर से नहीं लड़ा है, सामने से ब्राह्मण कैंडिडेट आया है, और फिर आप देखिए कि वहां पर ब्राह्मण किसको दिए। अब बहुत ऑब्वियस है कि आप ये देखेंगे कि सपा और बसपा की ओर से ब्राह्मण कैंडिडेट ही कितना लड़े, तो जब कैंडिडेट ही नहीं होंगे तो फिर वोट कैसे आएगा? तो मुझे लगता है किस बार के चुनाव में जो ब्राह्मण है वो सबसे पहले अपने मजबूत जाति के नेता को वोट करेंगे, उसके बाद वो भाजपा को चुन सकते हैं, और भाजपा को हराना होगा तो सपा को चुन सकते हैं। तो उसके लिए कोई सम्मेलन करने की जरूरत नहीं है, वो स्मार्ट कास्ट है। लेकिन यह एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है सर जो आप बोले, उसमें मैं जुड़ना चाहता हूँ कि देखिए, हर जाति की अपनी एक मानसिकता होती है और उससे हम नकार नहीं सकते हैं, चाहे हम कुछ भी हो जाए। तो देखिए, कोई भी ओबीसी का कास्ट, उसको कैसे अच्छा लग सकता है कि आप ब्राह्मण सम्मेलन कीजिए या राजपूत सम्मेलन करिए। मुझे लगता है कि कोई भी पार्टी हो उसको इशू बेस लड़ना चाहिए, और कुछ ऐसे इशू है जो सभी जातियों के हैं। एम्प्लॉयमेंट का इशू है, वो उससे हर लोग प्रभावित है, प्राइस राइज से उससे हर लोग प्रभावित है। तो इन सब जो मुद्दे हैं, इसको अगर उठा के ये लोग चुनाव लड़ते हैं, अब देखना होगा कि हो सकता है कि लोग थोड़ा लेट उठाएं, क्योंकि मोमेंटम रखना चुनाव में बहुत ज्यादा जरूरी चीज होता है। मैं मानता हूं कि इलेक्शन जो होता है वो परसेप्शन नैरेटिव का ही पूरा गेम होता है मोमेंटम का। तो हो सकता है कि थोड़ा लेट करके लोग उठाए, और बीजेपी जो, उसके पास तो दो मुद्दे हैं जो इंपॉर्टेंट मेरा मानना है, हिंदुत्व और विकास, इसी पर बीजेपी लड़ेगी। इनके पास और बाकी कुछ बहुत सारा नहीं इशू है कि ये मैं ये दिखाएंगे वो दिखाएंगे, क्योंकि देखिए दो एक्सप्रेसवे इनके कार्यकाल में शुरू हुए, बुंदेलखंड और पूर्वांचल एक्सप्रेसवे, और दोनों एक्सप्रेसवे शुरू नहीं हुए हैं अभी तक। अब हो सकता है कि फरवरी तक ये क्या करेंगे क्या नहीं करेंगे, आई कांट से। तो बीजेपी जो भी विकास किया है उस विकास में हिंदुत्व की चाशनी डालेगी। अब इस हिंदुत्व की चाशनी में से अगर जो अखिलेश यादव या जो और भी है पार्टी, अगर इसमें से हिंदुत्व को बीजेपी की तरफ छोड़ देती है, उससे विकास को अपने ओर लाती है, और उसके साथ वो अगर मतलब बाकी मुद्दों को जोड़ देते हैं, तो ये लोग, मुझे मानना है कि ठीक ठाक चुनाव लड़ सकते हैं। तो हम लोग अपने बात में थोड़ा सा रख भी दिए कि कैसे चुनाव लड़ना चाहिए। जी सर। अच्छा, राजपूत समाज में योगी जी को लेके एक बहुत आकर्षण है, और योगी जी ने अपनी जो प्रशासनिक भूमिका है उसमें उनको बहुत स्थान दिया है। इसके आरोप उन पर लगते रहे हैं, लेकिन उन्होंने आरोपों की कोई परवाह नहीं की है। और सोशल मीडिया वगैरह पर हम पाते हैं कि राजपूत समाज में उनके प्रति जबरदस्त आकर्षण है, और वो उनके पक्ष में तर्क भी देता है, उनके लिए हल्ला गुल्ला भी करता है। और राजपूत उत्तर प्रदेश में हमेशा 60-70 से लेके 100, एक जमाने में 120 तक MLA हुआ करते थे, और बहुत जगहों पे ब्लॉक प्रमुख वगैरह, जो मतलब जो भी हमारा लोकतांत्रिक ढांचा है इसमें वे बड़े प्रभावशाली हैं। उनकी संख्या बहुत ज्यादा नहीं है, वो 8-9% होंगे मेरा ख्याल है,
लेकिन उनका जो सामाजिक प्रभाव है वो काफी नजर आता है। उसके कारण ये हो सकते हैं कि जमीनों पर उनका पहले से वो जमीनें उनके पास ही ज्यादा थी, उनकी बहुत सारी बिक गई हैं, ये सही है, लेकिन अभी भी समाज में उनका ग्रामीण इलाकों में और दूसरी जगहों में असर है। तो चूंकि उनकी भूमिका साफ साफ योगी जी के साथ है और बिल्कुल ये लग रहा है कि योगी जी के नेतृत्व में उत्तर प्रदेश का चुनाव बीजेपी लड़ेगी, तो ऐसी सूरत में आपको क्या नजर आता है? अखिलेश वगैरह भी एक जमाने में राजपूत वगैरह को कॉबल करते रहे हैं राजा भैया को मंत्री पद देके और बहुत चीजें करके, इस बारे में आपका क्या है दृष्टिकोण? देखिए, उत्तर प्रदेश के बारे में सर कहा जाता है कि राजपूत और ब्राह्मण एक साथ मत नहीं करते थे, ऐसा लोग कहते हैं अगर आप 90 के बाद देखें तो। लेकिन बीजेपी के लिए तो ज्यादातर किया है उत्तर प्रदेश, बीजेपी के लिए किया है, जब आप पिछले तीन चुनाव में बीजेपी के लिए दोनों साथ वोट कर रहे हैं, लेकिन उसके पहले अगर आप दो तीन चुनाव की बात करें तो जब ब्राह्मण मतदाता बसपा की ओर जा रहा था तो ठाकुर मतदाता ज्यादा से ज्यादा सपा की ओर था। आज के डेट में आपने सही कहा कि राजपूत जो मतदाता उसका रुझान, मतलब पूरा हिंदुत्व का जो रुझान, अगर मान लीजिए बीजेपी पूरा बीजेपी तो पूरा मानते हैं कि सारा हिंदू का ही वोट ही हमें मिल रहा है, अगर उसको हम मान लें कि सारा हिंदू का वोट मिल रहा है, फिर भी हमको मानना पड़ेगा कि उस हिंदू में से जो राजपूत मतदाता है वो ज्यादा फनेटिक है, योगी आदित्यनाथ जी के लिए आकर्षित है और उसका वोट ज्यादा से ज्यादा मिल सकता है कुछ जगहों को छोड़कर जहां पर कोई बड़ा राजपूत नेता दूसरी पार्टी से लड़ेगा, पार्टी के नाम पर शायद ही कोई पार्टी वोट ले पाए, नेता के नाम पर थोड़ा सा वोट छिटक जाएगा। जी सर, तो अभी का सीन ये है, लेकिन यहाँ एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि जैसा हम लोग पहले बात किए कि पिछले चुनाव में भाजपा की ओर से बहुत सारे थे लाइन में, जैसे लोध के लिए धर्मपाल सिंह जी थे और संतोष गंगवार जी कुर्मी के रूप में थे, केशव मौर्य कुशवाहा के रूप में थे, ब्राह्मण के रूप में बात करें तो दिनेश शर्मा महेश शर्मा थे, दिनेश शर्मा जी डिप्टी सीएम भी है वहां, केशव मौर्य भी डिप्टी सीएम है, और राजपूत के नेता के बात करें तो योगी आदित्यनाथ जी तो नहीं थे लेकिन राजनाथ सिंह जी थे कहीं ना कहीं, हालांकि वो बड़े नेता जी। हाँ जी, तो इतने सारे नेता थे जो कि मुख्यमंत्री के रूप में वहां पर चल रहे थे, जब चुनाव हुआ बीजेपी को सफलता मिली और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी बन गए, तो देखना दिलचस्प होगा कि पिछली बार जो इतने सारे नेता मुख्यमंत्री थे और इनकी इनकी जातियों का एक गठजोड़ बीजेपी बना रहा था कि नन यादव और नन मुस्लिम का एक गठजोड़ बनाया जाए और इनके बीच में एक विस्पर कंपेन चलाया जाए कि आपकी जाति का नेता मुख्यमंत्री बन सकता है, इस बार इस कंपेन पर रोक लग जाएगा, ये कोई भी मान सकता है, क्योंकि इस बार तो जाहिर सी बात है कि एक तरफ योगी आदित्यनाथ जी होंगे और एक तरफ अखिलेश यादव जी होंगे, तो क्लियर है कि मतलब चेहरा और एक मायावती जी तीसरा फैक्टर है, कांग्रेस ने अभी नहीं बताया कि वो किसको करेगी, प्रियंका गांधी चेहरा होंगे कि नहीं, वो तो नहीं होंगी क्योंकि उनको मालूम है कि रिजल्ट क्या रहा था, हो सकता है प्रमोद तिवारी है उनके पास नेता के रूप में बचे हुए, या उनकी बेटी है, या अजय कुमार लल्लू, जिसको भी वो करे उनके ऊपर है, अगर सपा से अलायंस होती है तो फिर अखिलेश यादव को वो लोग चेहरा मान लिए, तो मेरा मानना है कि जो चुनाव होगा वो अखिलेश यादव बनाम योगी आदित्यनाथ की धुरी होगा और ये दोनों नेता जो इशू बनाएंगे उसी इशू पर पूरा चुनाव केंद्रित होगा। जी जी सर, एक और मजेदार सवाल है लेकिन जरूरी सवाल है कि जहां तक सड़क पे पॉलिटिक्स का सवाल है, सबसे ज्यादा पॉलिटिक्स जिन दो दलों ने की है उनका आपने नाम भी नहीं लिया, वो है कांग्रेस और आम आदमी पार्टी। आम आदमी पार्टी के नेता संजय सिंह ने पिछले 8-9 महीने में उत्तर प्रदेश में बहुत हलचल मचाई है, सबसे ज्यादा चर्चा में वो रहे हैं चूंकि वो योगी जी से आमने सामने लड़े, जो लल्लू है कांग्रेस के अध्यक्ष वो उन नेताओं में से है जिन पर सबसे ज्यादा योगी सरकार की लाठियां पड़ी, जो बहुत बार जेल गए हैं और बहुत बार उन पर और उनके कार्यकर्ताओं पर प्रताड़ना हुई है, और उन्होंने बहुत सारे मुद्दों को भले ही वो संख्या में कम रहे हों लेकिन उन लोगों ने उठाया है, वो सड़क पे पिटे हैं आके। लेकिन इन दोनों दलों को वोट देने वाला आपकी बातचीत से लग रहा है कि आपको कहीं नजर नहीं आ रहा है कि इनको इतने सब काम का कुछ इनाम भी मिल रहा हो जनता की ओर से। जैसे सर मैं पहले ही कहा कि इलेक्शन जो होता है टोटली आज के डेट में सेंट्रलाइज इलेक्शन हो गया, बाइपोलर इलेक्शन हर जगह हो रहा है और नैरेटिव परसेप्शन में पूरा इलेक्शन हो रहा है, आप कितनी ग्राउंड पर मेहनत कर रहे हैं सब मेहनत है, आप जानते ही होंगे कि जो फ्लोटिंग वोटर होता है खासकर वो जीतने वाले को वोट देता है, जो जीत रहा उसके तरफ दे देता है या जो जीतने की स्थिति में होता है, तो जहां जहां कांग्रेस उम्मीदवार जीतने की स्थिति में, जैसे अजय कुमार लल्लू का बात किए, वो अपने आप में जिस क्षेत्र से लड़ते हैं तो जीत के आते हैं और वो इस बार भी जीत सकते हैं, तो लेकिन उनका जो उन्होंने जो काम किया है, जो संजय सिंह जो आपने बताया कि बहुत जमीन पर सक्रिय है योगी आदित्यनाथ के खिलाफ, वो काफी आक्रामक होते हैं, तो उसका लाभ हो सकता है कोई जो आक्रामक हो रहे हो कहीं सपा को ना हो जाए क्योंकि वो उजागर कर रहे हैं चीजों को, सब कुछ कर रहे हैं, लेकिन जो वोटर्स वोट डालने जब जाता है तो देखेगा कि ठीक है बीजेपी को हमको देना है, जिताना है बीजेपी को दे दो अगर योगी आदित्यनाथ जी के काम से पसंद है, तो अगर नहीं है तो किसको देना है,
तो ठीक है वो आम आदमी पार्टी का वोटर हो सकता है, कांग्रेस का हो सकता है, किसी का भी हो सकता है, लेकिन वो जाएगा फ्लोटिंग वोटर लास्ट में उसके तरफ जो हराने की स्थिति में होगा। आज के डेट में अगर आप मानिए तो कहीं ना कहीं यूपी में जो सगबुगाहट है, किसी मतदाता में बात कीजिए, मोटा मोटी ये देखने को मिलता है कि सब लोग ये मानते हैं कि भाजपा चुनाव जीतेगी तो जीतेगी, अगर हारेगी तो सपा से हारेगी ना कि बसपा से, और कांग्रेस और आम आदमी पार्टी बारे में तो सोचना ही नहीं, इसमें कहां हम इस पर बोल सकते हैं। जी सर, अगर अच्छा एक और मजेदार बात है कि उत्तर प्रदेश में जब सपा की सरकार अकेले बहुमत से बनी और जब बसपा की सरकार बहुमत के बिल्कुल बहुमत तक पहुंची गई थी, वो भी बहुमत से ही बनी कह मान लेते हैं, और फिर भाजपा की सरकार बनी बहुमत से, इन तीनों में एक अंतर है, जो सपा और बसपा की सरकारें बनी वो 30% वोट के बॉर्डर पे पहुंच के रुक गई, 28-29% पर ही इनकी सरकारें बन गई, जबकि भारतीय जनता पार्टी का जो मत प्रतिशत है वो इनसे 10-8% आगे पहुंच जाता है, 40-42 तक भी पहुंच जाता है, 37 रहता है, और ये अनुमान आप ही की तरह के सेफोलॉजिस्ट जो फील्ड में काम करते हैं लगाते हैं कि आज भी भारतीय जनता पार्टी के पास बुरे से बुरे हाल में असंगठन और दूसरे साधनों, सरकार में होने और तरह तरह की सामर्थ्य होने के नाते 34-35% वोट उसके पास है। आपने भी कहा था कि आज की तारीख में तो लगता ही है कि भाजपा आगे है, तो क्या सपा या बसपा, आप कह रहे हैं सपा मुकाबले में है आने वाले दिनों में, तो अगर सपा मुकाबले में है, सपा का बेस्ट परफॉर्मेंस 29% है और भारतीय जनता पार्टी का आज के डेट में वर्स्ट परफॉर्मेंस भी होगा तो 34-35% है, तो कहां लड़ाई हो पाएगी? देखिए इसमें आपने जो बोला वो सही बात बोला, लेकिन इसमें दो तीन इंपॉर्टेंट चॉइस आपको चीज देखने को देखना पड़ेगा। सबसे पहली बात कि आप जो बोल रहे थे, आप देखिए कि उस समय चुनाव कहाँ हो रहा था, उस समय चुनाव जो रहा था वो ट्रायंगुलर फाइट हो रहा था, कहीं कहीं तो चतुष्कोणीय मुकाबला हो रहा था, लेकिन अब जो चुनाव हो रहा है ना वो सर आप देखेंगे कि बाईपोलर, आप देखिए कि राजद जो और यूपीए जो है बिहार में, आप देखिए तो राजद को कब 36% वोट मिला है यूपीए को, लेकिन इस बार के यूपीए और एनडीए के चुनाव में सिर्फ 12,000 वोट का अंतर रहा, मतलब यूपीए और एनडीए के बनाम में बिहार में, और सिर्फ 0.2 से जीत गया चुनाव, 0.2% से वहां पर एनडीए चुनाव जीत गया, मतलब 12,000 वोट अधिक आना, मतलब 12 अगर आप वार्ड जीत लेते तो आप वहां पर सरकार में आरजेडी होता। तो देखिए 10 साल पहले का जब आप बात कर रहे हैं, 5 साल पहले का एकदम सही बात बोल रहे हैं कि बीजेपी के पास, मैं तो मानता हूं 40% बीजेपी को वोट मैं मानता हूं, 27% सपा को मान रहा हूं, आपने बोला कि 20% बसपा का, 20% उनका मैं मान लेता हूं, और कांग्रेस को मैं मान लेता हूं 8-10। अब बहुत ऑब्वियस है कि बसपा अगर डिक्रीज होगी तो ये वोट कहां जाएगा, इंपॉर्टेंट है। तो मुझे लगता है कि बसपा अगर डिक्रीज होगी तो उससे मुसलमान और जाटो बहुत ही कटेगा, आप ये कोई भी मतलब समझदार आदमी बता सकता है, तो जब वो वोट कटेगा तो उसके सपा में जाने ज्यादा चांसेस है जाने का। और बीजेपी का पिछला 13 चुनाव आप देख लीजिए, किसी भी स्टेट में जो लोकसभा में वोट आया है या जो लास्ट असेंबली में वोट आया उससे बीजेपी डिक्रीज करती है, सिर्फ गुजरात अगर मैं बात करूं तो पिछले 13 चुनाव की, तो अगर 40% बीजेपी होगी तो बीजेपी घट के 35-36-37 होगी। बट ऑब्वियस है सपा को यहां पहुंचना होगा, सपा 27 पर है कि बसपा माइनस होती है, और बसपा जब जाती है 32 पर, और कांग्रेस जब माइनस होती है और वो वोट उसमें ऐड करता है तो फिर दोनों बराबरी पर आ जाएंगे, कांटे का मुकाबला हो जाएगा। फिर देखना होगा कि कांग्रेस कितने पर आती है, अब कांग्रेस 4 या 5 पर आ गई, बसपा 12, 12-4-16 और 4-10 तो 20%। अब बीजेपी 37 लाके चुनाव नहीं जीतेगी, 40 लाना पड़ेगा, क्योंकि अगर वो 37 लाएगी इट मींस कि सपा को 38 आ रहा है अगर बाईपोलर हुआ तो, क्योंकि हम लोग चुनाव में बार बार बात बाईपोलर कर रहे हैं, जब भी चुनाव हुआ तो हुआ क्या है कि एक तरफ भाजपा है और दूसरी तरफ सपा और बसपा है, दोनों तरफ है। अगर आप पिछले बार की बात करें तो 22-23% के लमसम में बसपा और 22% में सपा, तो फिर तो जब त्रिकोणीय होगा तो सर उस स्थिति में खेल खत्म हो जाएगा, भाजपा आराम से निकाल लेगी। लेकिन हम बात कर रहे हैं कि बसपा इस बार राइज नहीं करेगी, दे आर गोइंग टू परफॉर्म बैड और गोइंग टू गेट लेस देन 18% वोट। जी सर ठीक है, अब आपसे फील्ड में मिलेंगे, आज शुरुआत करने के लिए इतनी बात काफी है उत्तर प्रदेश के बारे में। और आप रिसेंट दिल्ली का सर एग्जांपल देखिए कि असेंबली का चुनाव हुआ था, तो वही वोटर जो लोक विधानसभा में केजरीवाल जी को वोट देता है और सीट जिताता है 62, वही वोटर मोदी जी को 56% वोट दे देता है लोकसभा में, सेम वोटर, और वही वोटर बीजेपी को फिर 36-37 में गिरा देता है विधानसभा में। 20% जो वोटर हैं दिल्ली के वो टोटली शिफ्ट होते हैं, और आप देखेंगे कि लोकसभा में कांग्रेस परफॉर्म बेटर करती है आम आदमी पार्टी से। तो वोटर का चॉइस बड़ा आजकल डेट में
इलेक्शन टू इलेक्शन डिफर कर रहा है। एक बात ये, जैसे आप देखिए पंजाब में आम आदमी पार्टी बहुत खराब परफॉर्मेंस दी लोकसभा में, ओनली गेट गॉट 7% वोट, बट इन असेंबली इलेक्शन आम आदमी पार्टी को करीब वहां 23 या 25% वोट आया था। तो फिर आप कह, मतलब आप लोकसभा का प्रदर्शन को आप नहीं कर सकते कि विधानसभा में रिपीट होगा, च्वाइसेस बदल जाती है। बीजेपी का देखिए, अब बंगाल में बीजेपी लोकसभा में जो प्रदर्शन की थी 40% वोट था, 43% ममता का वोट था, और चुनाव अनुसार ये बदलता है। और जब चुनाव बाईपोलर होगा तो फिर उस स्थिति में यूपी में 35% से ज्यादा जो भी पार्टी वोट लाएगी वो सरकार बनाए। ठीक है, तो अब फील्ड में आपसे मुलाकात होगी, फिर आपके साथ दूसरे प्रोग्राम्स करेंगे। आज शुरुआत के लिए इतना ही, बहुत बहुत धन्यवाद, नमस्कार। सत्य हिंदी का ऐप डाउनलोड करें गूगल प्ले स्टोर पर।